अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ये देखें, हम लोग घर की कर रहे हैं डीप क्लीनिंग, और ये स्प्रिंग मैट्रेस जो है ना, मैं दूसरे बेडरूम में लेकर जा रही हूँ, और दूसरे बेडरूम में हार्ड मैट्रेस पड़ा हुआ है, तो वो मैं अपने बेड पे रखने लगी थी इस पर। तो अब इनको खुशी देखें इनकी, ये कितने खुश हैं। ये हम लोगों ने मैट्रेस अभी यहाँ पर रखा हुआ है कि हम इसको अभी चेंज कर लेते हैं दूसरे बेडरूम से, और इन सब की खुशी तो देखें आप। आज सोचा कि बस कुछ दिन से हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर कर रहे थे, तो आज क्यों ना बेबीज़ का ब्लॉग शेयर करते हैं आपके साथ, और आपको अपनी सारी कैट्स भी दिखाती हूँ। साशा, कहाँ जा रही हो? ये है हमारा मैक्स। मैक्स मैक्स डैनी और स्कूबी, स्कूबी डैनी के बाबा हैं। बिल्लू बिल्लू, आपने भी ऊपर जाने? इस तरह की एक्टिविटी से ये बहुत खुश हो जाते हैं। वो ऊपर जो बैठा हुआ है ना, वो सबको डरा रहा है, किसी को ऊपर नहीं आने दे रहा। डोरा डोली डेनो डोरू, ओ मिस मिनी भी ऊपर आ गई है। आपने नहीं जाने? जोई ने नहीं जाना ऊपर? ये क्या कर रहे हैं? चलो अब नीचे आओ, अब नीचे आओ, चलो दूसरे कमरे में जाएंगे, चलो लेके चलो, खींच के दूसरा उठाएं। ये देखें, अब हम लोग ये हार्ड वाला मैट्रेस लेके जा रहे हैं उस रूम में, और दूसरा हम यहाँ ले आए हैं। चलो उठाओ। ये जो आपको दरवाजे पे टेप लगी हुई नजर आ रही है ना, ये हमने इनसे प्रोटेक्शन की है अपने डोर्स की। ये स्क्रैच करते हैं बहुत ज्यादा। हाँ मैं साथ उठाती हूँ। ये ना डोर्स को स्क्रैच करते हैं, इसीलिए हमने वो किया हुआ है। छोटे यहाँ पे बेबीज भी सो रहे हैं। तो अब रात का टाइम हो गया है, और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर सूजी को खाना देने। सूजी का, जिन जिन को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि सूजी जो है हमारी एक स्ट्रे बिच है, और उसको हम लोग ये पंजे देने जा रहे हैं। लाइट मिलाओ, यहाँ पे लाइट मिलाओ। आपने मेरी पहली कुछ वीडियोस में भी इसको देखा होगा, इसको और इसके साथ जैनी एक होती थी, जो मफ़िन वाली मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने मफ़िन को पार्क में लेके गई थी, उसमें भी जिसका टाइटल था व्हाई आई डोंट सेल माय कैट्स ऑन यूट्यूब। सो ये जो जैनी थी ना, इसके साथ वो इसी की बेटी थी। उसके साथ क्या हुआ, हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटी के जो ऑनर हैं, उन्होंने उनके बेटे ने गार्ड से कहकर उसको रात को उसको फायर उस पर करवाए, उसको मार दिया उन्होंने, और मार के उसको, हमारे घर के साथ ही नहर है तो उसकी बॉडी जो है उन्होंने नहर में फेंक दी। हमें पहले तो हम कितने दिन उसको ढूंढते रह गए कि वो हमें नहीं मिल रही थी। फिर हमें किसी ने बताया कि उसके साथ इन लोगों ने ये किया और उसको मार कर फेंक दिया है। वो हमारे सामने ही पैदा हुई थी, हमारे सामने ही बड़ी हुई थी, उसको भी हम ही खाना खिलाते थे, और इस सूजी को भी हम ही खाना देते हैं। अब इसके दोबारा से बेबीज़ होने वाले हैं, और इसको किसी ने और नेना इसकी टेल पे मारा था, इसको और इसकी टेल उसी जगह से जहाँ पे मारा है
इसकी आधी टेल उतर के गिर चुकी है। मुझसे ना ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता है। एनिमल्स के ऊपर जब इतना जुल्म किया जाता है, इतने मासूम होते हैं इन बेजुबान जानवरों पे, मुझे नहीं समझ आती। मैं कुछ कर नहीं सकती इनके लिए। पूरी दुनिया में इनके ऊपर इतना वायलेंस हो रहा है, कोई इनकी फीलिंग्स को समझता ही नहीं है। जब दिल करता है इनको मार देते हैं, जो इनके साथ दिल करे वो सलूक करते हैं। बस अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दें जो लोग ऐसा करते हैं, और इनका ख्याल रखें। ये देखें माशाल्लाह, ये हमारी सारी कैट्स। मॉन्की नीचे आओ, नीचे आओ मॉन्की। अभी फुज़ैल इन सबको थोड़ा सा दूध दे रहे हैं ताकि इनकी प्लेट की पेट की फुल फ्लशिंग हो जाए। इन्होंने क्या, अच्छा यहाँ पे फुज़ैल कैट्स को दूध दे रहे हैं। दूध वैसे तो कैट्स को नहीं देते, लेकिन हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि कुछ कैट्स जो हैं उनको ज़रा कॉन्स्टिपेशन हो रही है, और ये प्योर दूध नहीं है। इस दूध में हमने हाफ पानी ऐड किया हुआ है, इसमें तो इसीलिए इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, और इससे बच्चों को कुछ भी नहीं होगा। ये हाफ दूध और हाफ पानी है, नहीं बल्कि आधे से भी ज़्यादा पानी है। दूध बहुत, दूध की क्वांटिटी बहुत कम है। और कुछ कैट्स को हमारी कॉन्स्टिपेशन हो रही थी, तो इससे उनकी ना ठीक हो जाएगा। अच्छा पीछे मैं डाल के देता हूँ। क्या रखा हुआ है आपने ऊपर? गिरने वाला है कुछ। इधर आओ हेज़ल, हेज़ल दो चमकी पी। हेज़ल को दूध में इंटरेस्ट नहीं है। और इतनी सारी कैट्स को इतना दूध कुछ नहीं कहता। हाँ ये तो इतनी सारी है, ये वाला दूध इनको बस कुछ सिप्स ही आए होंगे इनके लिए। हाँ इनके लिए तो ये बहुत कम है। खाना खा लो। खाना अभी नहीं देना। अब फुज़ैल इन सबको इनके रूम में बंद कर रहे हैं। ये सामने रूम है, वो जो आपको नजर आ रहा है वाइट बेड वाला, उस रूम में अब इन हम कैट्स को बंद कर देंगे। अब ये शेक करूंगा, सब अंदर चले जाएंगे। आ जाओ, इनको बंद करने का तरीका। बच्चे बड़े क्लेवर हो गए वो। जैस्मिन कैसे भागती हुई आ रही है। बुलाओ सबको फुज़ैल। भागता हुआ आया कि मेरे अंदर नहीं जाना। जैस्मिन, जैस्मिन आप ही अंदर करने गई थी। नजर ही नहीं आ रहा, मुंह ऊपर ले जाते हो। अब हो रहा है बच्चों के डिनर का टाइम। स्कूबी ऐसे ही साथ खड़ा हुआ है, स्कूबी तो बिस्किट्स नहीं खाता। हम लोग दो दो तीन तीन बच्चों को रूम से निकालेंगे और उनको बिस्किट्स दे देंगे। एक साथ सबको बिस्किट दो ना, तो वो जरा थोड़ा सा बच्चों को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। बच्चों का खाना बच्चों को दे रहे हैं और हमारा भी खाना बन रहा है। आपको पीछे से प्रेशर की आवाज आ रही होगी। आ जाओ, एक एक को दो। ये कौन आए हैं? हेज़ल आई है। मिस हेज़ल ये क्यों डाल रही है पता नहीं।
इधर आओ साशा, मैं हूँ, समझिए कोई और है। अब ये ऐसे दो दो तीन तीन बच्चे खाना खा लेंगे रिलैक्स होकर उसको। अच्छा वो ना वो प्रेशर की आवाज से डर रही है, प्रेशर कुकर की आवाज से। साशा मफू मंकी, मंकी सब खाना खा गई, मंकी बड़े खा रहा है ना। मंकी मंकी खाना खा लिए, इन बच्चों ने खाना खा लिए, मंकी ने भी खा लिए और ये हमारा खाना बन रहा है। आज हम लोग डिनर में बिरयानी बना रहे हैं और ये इन बच्चों ने खा लिए। कुछ तो अभी फुजैल अंदर खाना खिला रहे हैं, एक और निकालूं। Who's next? आओ सिगी। कौन रह गए? टूटी फ्रूटी आ जाओ। अकेली नहीं, एक और भी निकली है, दो दो बच्चे बस, ये दो ही रह गए हैं। मेरे पास माल नहीं है ना, दो बच्चे रह गए हैं सिर्फ, बाकी सब ने खा लिए। नहीं एक और भी रहता है, जोए का बच्चा। ओए आपने खाना नहीं खाना, आ जाओ जल्दी से, भाग के आओ, भाग के आओ, भाग के आओ, चलो चलो। तो अब स्कूबी खाना खा रहा है, हमने भी खाना खा लिया और अब हम पी रहे हैं ग्रीन टी, स्कूबी चिकन बॉइल्ड चिकन और साथ में सूप पी रहे हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत मज़े की लगी होगी और मेरी कैट्स की रूटीन आपको अच्छी लगी होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, अल्लाह हाफिज़।